विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है। पार्टियों में लगातार मिलन समारोह हो रहे हैं और दूसरे दलों के लोग अपने दलों को छोड़कर अन्य दलों में जा रहे हैं। वहीं आज लोजपा सेकुलर में भी रालोसपा से आए कई नेता शामिल हुए। वहीं पार्टी ने कई सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा भी की। श्री सुशांत कुमार जी और प्रशांत कुमार सोनू जी, ये दोनों आदमी रालोसपा से त्याग पत्र देकर के और लोजपा सेकुलर का सदस्यता ग्रहण किए। हम सब लोगों ने इनका स्वागत किया और चूंकि ये एक साल से अपने क्षेत्र में काफ़ी बूथ कमेटी वगैरह बना करके पूरा कल से हम लोगों को आज सुबह तक दिखाए, तो हमको लगा नहीं इनको चुनाव मैदान में उतारना चाहिए, इसलिए श्री सुशांत कुमार जी को विभूतिपुर से और श्री प्रशांत कुमार सोनू जी को उजियारपुर से हम लोगों ने पार्टी का टिकट दे दिया इनको उम्मीदवार। और इससे हमारी पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। कल हम लोग अपने स्टार प्रचारकों का सूची जारी कर देंगे और परसों पूरा उम्मीदवारों का लिस्ट, पहला चरण और दूसरे चरण का लिस्ट भी जारी करेंगे और चुनाव कैंपेन हम लोग 16 तारीख से शुरू करेंगे। पूरे बिहार भर में आम सभा वगैरह का पूरा हम लोगों की तैयारी है। चुनाव प्रचार वर्चुअल करेंगे या फिर सभा? देखिए, हम वर्चुअल नहीं करेंगे, हम एक्चुअल करेंगे, आम सभा करेंगे, चाहे उसमें हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन जितना मुकदमा दर्ज करे हम उसको बर्दाश्त करेंगे और उस मुकदमा का सामना करेंगे, लेकिन हम एक्चुअल आम सभा करेंगे, जनता को पूरी बात बताएंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, हमारी पार्टी लगभग 100 सीटों पर लड़ने का टारगेट है हमारा। अभी तक 40 उम्मीदवार हमारा चुनाव मैदान में गया है, सबका सूची जारी करेंगे। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।